फ्रेंड्स, आज मैं आपको नवंबर के मंथ में ये बैंगन ब्रिंजल एग प्लांट के रिजल्ट को दिखा रही हूँ और उसकी अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि ये इसको मैंने अगस्त के लास्ट में ग्रो किया था। सीडलिंग मैंने घर पे ही की थी, तो इसकी आप देख रहे हैं एक एक शाखा पे पांच पांच छः छः के तकरीबन फ्रूट आया है के पास, तो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। फर्स्ट नंबर पे इसकी पॉलिनेशन अच्छी होनी चाहिए। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ फूल आते हैं तो तितलियाँ और मधुमक्खियाँ अगर आपके यहाँ आती हैं तो ये फ्रूट बहुत अच्छा बनाएंगी। दूसरे नंबर पे आप हाथ से भी, अगर आपके यहाँ नहीं होता पॉलिनेशन तो आप हाथ से भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर हाथ से नहीं करना तो आप इनको हनी आप पानी में डाल के प्लांट्स पे स्प्रे कर दें तो मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ आएंगी और हमारा पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने से क्या होता है कि हमारा फ्रूट अच्छा होता है। आप ये देख रहे हैं, ये सभी बड्स बने हुए हैं, फूलों के बड्स बने हुए हैं, जहाँ पे ये काफ़ी सारा फ्रूट लगेगा। तो दूसरे नंबर पे है कि आप इसको पानी कैसा दें। अगर आपके फील्ड में अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है तब भी चलेगा, क्योंकि वो स्पेस बहुत ज़्यादा होने से वो जगह सोख लेती है पानी। अगर आपके गमले में अगर प्लांट लगा हुआ है तो आप उसको पानी इतना दें कि उसकी जो सॉयल है वो खुश्क ना हो। खुश्क होने से रूट्स जो है वो डैमेज हो जाती है, वो फ्रूट और फल गिराने दे, फूल और फल गिरने लग जाता है। तो इसलिए आप उसकी सॉइल को वेट ही रखें, यानी मॉइस्चराइज सा रखें, ना ज़्यादा गीला करें। गाढ़े की तरह जैसे बिल्कुल गीला हो जाता है तो वो उससे आपका फ्रूट और फल फूल जो है वो गल जाएगा, गल के झड़ना शुरू हो जाएगा सॉइल। और इसको ब्रिंजल को हमेशा आप बहुत अच्छी धूप में, बहुत अच्छी का भाव ये है कि आप कम से कम 8 या 9 घंटे की धूप दें। आप अपने खेत में या अपने गमले को ऐसे, अगर आप छत पे रख रहे हैं और आप ऐसी छत पे जहाँ पे आपकी धूप 8 से 9 घंटे तक पड़ती हो सारा दिन में, तब आप उसको दें। तो पानी हो गया, सॉयल, सॉयल की बात कर लें, सॉयल इसको काउ डंग ही दिया मैंने, मस्टर्ड केक और काउ डंग दिया है। तो इसमें आप फ्रूट में देखेंगे कितनी अच्छी शाइनिंग आई हुई है, बहुत अच्छी। और ये मैंने तकरीबन 2 या 3 बार मैंने इस फ्रूट को उतार लिया है। ये मैंने आपको नवंबर के मंथ का रिजल्ट दिखाया है, उसकी अपडेट दी है एग प्लांट की। तो उससे पहले मैंने अगस्त के मंथ में इसकी सीडलिंग की थी, वो भी मैं आपके साथ, चलो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने उसको सीडलिंग दी थी, कैसा मैंने उसको सॉयल और वाटर दिया था। तो आइए हम वो भी देखते हैं। और ये रिजल्ट है, और ये एग प्लांट है, इसके आप सीड देख रहे हैं मैंने यहाँ से लिए हैं। कुछ मैंने वैसे भी ऑनलाइन भी मंगवाए थे, पर उनसे बेहतर इनका रिजल्ट पहले भी बहुत अच्छा निकलता है हमारे यहाँ खेतों में। तो इस वजह से आप ये देख रहे हैं, इसके बीज बहुत छोटे छोटे बीज हैं, आप मेरी उंगली पे देखेंगे तो इनको हम ग्रो कर देंगे। और ग्रो करने के एक या दो पोट में आप ऐसे इनकी सीडलिंग कर दें और आप देखेंगे कि इनमें से कुछ प्लांट हमारे वेस्ट भी हो जाएंगे और कुछ हमारे हाथ आ जाएंगे जिनके हम न्यू प्लांट बना देंगे। हुई होती है सैंड ले लें या गार्डन सोयल, उसमें आप बीज लगा दें और उससे आप ढक दें। तकरीबन 20-22 दिन के बाद आप इनको देखेंगे कि इनमें छोटी छोटी पौध निकलनी शुरू हो गई है, और वाटरिंग कर दें। इनको आप सेमी शेड में रखें, ना ज़्यादा धूप हो ना ज़्यादा इनको शेडी एरिया हो। ये 15-20 दिन के अंतराल के बाद मैंने देखा है कि पोट ने ग्रो करना शुरू कर दिया है। पोट में जो हमने सीड डाले थे उन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। अब हम इसके 20 दिन या इससे आगे जब भी ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा, जितने भी बड़े होंगे मैं उनको आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने जो ये बैंगन उगाए थे उसकी सीडलिंग की थी, उनको मैंने इन छोटे पॉट में भी डाल दिया था, उनकी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और ये मेरे तकरीबन 20 दिन का रिजल्ट है, सीड डालने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था उसके बाद 20 दिन का रिजल्ट है ये।
ये 20 दिन आगे की हमारी प्लांट है, एग प्लांट आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। अब इनको मैं निकाल के बड़े पोट में लगा दूंगी या खेत में, जहाँ भी मेरा किचन गार्डन है वहाँ पे लगा देंगे। और अब हम इसके बाद जो हम खाद देंगे, इसमें हम मस्टर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टाइम मैं मस्टर्ड केक दूंगी, यानी 15-15 दिन के अंतराल के बाद मैं मस्टर्ड केक। और ये काउडंग बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो चुका है, बिल्कुल ब्लैक कलर का बन चुका है, आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक कलर का। तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन प्लांट्स में यूज़ करूँगी ताकि हमारी फ्रूटिंग अच्छी हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मस्टर्ड केक का यूज़ करूँगी। तो अब हम रिपोर्टिंग करते हैं इनकी, प्लांट्स की। फ्रेंड्स, एक मैं यहाँ पे आपको टिप्स दूंगी, अगर कई प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जिनकी हम रूट्स दिखा देते हैं कि उनकी रूट्स फिर पकड़ लेती हैं मिट्टी की जड़ों, मिट्टी को उन पर, जब ये हम सब्जी वाले प्लांट लगाते हैं इनको अगर हम सीड से ग्रो कर रहे हैं और इनको निकाल के दूसरी तरफ रिपोर्टिंग करनी होती है, रिप्लांटिंग करनी होती है, तब आप इस सोयल के साथ ही निकाल लें उसको, उसकी रूट्स को हवा ना लगने दें, सबसे बड़ी शर्त ये है। अगर आप छोटे छोटे पोट ये प्लांट लेके भी आते हैं आप देखेंगे कि जो नर्सरी वाला माली है वो भी आपको इस तरह से देगा, मिट्टी लगा के, सॉइल लगा के। तो इसलिए आप इनको कभी भी ऐसे मत निकालें कि रूट्स दिखाकर, तो उससे हमारा बस एक तरह से ये समझ लो कि प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। ऐसे आप लेके आएंगे और इसी तरह से इसी मिट्टी के साथ आप लगा दें तो आपका प्लांट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप जो ये मस्टर्ड केक डाल रहे हैं या तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और टुकड़े करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर आप सॉइल की ज़रूर डाल दें, नहीं तो इसमें मस्टर्ड केक में बहुत सी अजीब सी स्मेल आती है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। या फिर आप पानी का घोल बना के, तो वो घोल भी आप दे सकते हैं, पाउडर भी आप दे सकते हैं। तो मैंने ये टुकड़े कर लिए हैं, टुकड़े करने के बाद मैं इनको बिछा दूँगी और साथ में मैं जो वो पोट ले प्लांट लेके आई हूँ वो मैं प्लांट इसमें ग्रो कर दूँगी। और मैं कुछ जो मेरे यहाँ सीडलिंग बहुत अच्छी हुई है वो कुछ प्लांट मैं अपने किचन गार्डन में भी लगाऊंगी। जब हमने ये पोट प्लांट लगाया था उसके 20 दिन के बाद ये आप देख रहे हैं हमारे प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और आज हम इसको, और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये 20-25 दिन के बाद जो इसमें हमने टुकड़े डाले थे मस्टर्ड के वो तकरीबन डिसॉल्व हो चुके हैं, छोटे छोटे पीस रह गए हैं। और अब हम काउडंग और मस्टर्ड केक का पानी देंगे जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी एक खुराक बनेगा। देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है एग प्लांट की ये। तो जब ये इसके बर्ड्स बनने शुरू हो जाएं, बस इतने फ्रूटिंग ही दिखा, जब आपके यहाँ फ्रूट पक जाता है तो आप उसकी कटिंग कर दें, यानी उसको हार्वेस्ट कर लें। अगर हार्वेस्ट नहीं करते तो नेचुरली बात है उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब तो ये बहुत अच्छा फ्रूट बना हुआ है तो इसलिए ये बिल्कुल तैयार है, सभी फ्रूट मेरे बिल्कुल तैयार है। ये मेरे किचन गार्डन से एग प्लांट उतार लिया मैंने, हार्वेस्ट कर लिया है। अब मैं अपने जो पोट में है वो भी उतारती हूँ क्योंकि वो भी पक चुके हैं, और अगर हम हार्वेस्ट नहीं करते तो वो कीड़े पड़ जाते हैं उनमें, तो इसलिए आप टाइम रहते ही अपनी फसल को हार्वेस्ट जरूर करें।